मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गुलनाज खान और करण चंद्र की शादी से नाराज बाप बेटे ने दामाद और बेटी की हत्या कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला मुंबई के गोवंडी का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गोरा खान, सलमान खान, मोहम्मद कैफ, नौशाद को पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। खबरों के मुताबिक गोवंडी में रहने वाले गोरा खान की बेटी गुलनाज खान उसी इलाके में रहने वाले करण चंद्र से घर वालों के खिलाफ जाकर पिछले वर्ष नवंबर में शादी कर ली थी और यही वजह रही कि गुलनाज के पिता गोरा खान नाराज थे और इसी के चलते गोरा खान ने अपनी बेटी और दामाद को घर बुलाकर बेटी गुलनाज का गला दबाकर और करण का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया था, लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को बरामद भी कर लिया है और इस पूरे हत्या के मामले में पुलिस ने गोरा खान, सलमान खान, मोहम्मद कैफ, नौशाद को गिरफ्तार भी किया है। 14 अक्टूबर शाम को गोवंडी इलाके में एक 20-22 साल के लड़के की डेड बॉडी मिली थी। उस सिलसिले में हमने 10 टीम पहुंच की और उसमें विक्टिम करण रमेश चंद्र, ये यूपी का रहने वाला है, ये हमने आइडेंटिफाई किया। और इस सिलसिले में हमने उसका ससुर गोरा रईसुद्दीन खान इसको कस्टडी में लिया। उसके साथ में उसका लड़का सलमान गोरा खान और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर विक्टिम का मर्डर किया, ये वहां पे बताया। विक्टिम करण ने एक्यूज की लड़की गुलनाज के साथ में लव मैरिज किया था। इस सिलसिले में सभी एक्यूज ने मिलकर इसमें विक्टिम करण और उसकी जो वाइफ है और एक्यूज की लड़की गुलनाज इसका भी मर्डर किया। गुलनाज का जो डेड बॉडी है वो नवी मुंबई एरिया से हमने रिकवर किया है। इस सिलसिले में 3 एक्यूज को हमने अरेस्ट किया, साथ में 3 जो माइनर लड़के हैं उनको भी हमने ताबे में लिया है। एक्यूज की 27 तारीख तक कस्टडी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जय हिंद।